सो ऑलराइट, हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं बात करूंगा वेनम के ऊपर, जो मेरा कंसेप्ट था। और मेरी आईडी को जरूर सपोर्ट करें, अभी थोड़े दिन के लिए बैन है क्योंकि स्टोरी मैंने कुछ ज्यादा शेयर कर दी थी और कुछ रिपोर्ट्स या स्पैम आए थे, तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट बैन हो रखा है 7 दिन के लिए। तो जस्ट आप सपोर्ट करते रहे कि रीच रहे, नहीं तो फिर सब डेड हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है। सो आगे मैं बढ़ता हूँ अपने पॉइंट पे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ऑसम ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। और जिसको नहीं पता कि ये चैनल किस बेस पे है, तो मैं फोटोशॉप आर्ट्स क्रिएट करता हूँ, मैं पिक्स आर्ट में नहीं क्रिएट करता किसी भी चीज को, क्योंकि पिक्स आर्ट लाइक समथिंग है कि उसमें नहीं बन सकता ये सब चीजें जो मैं बनाता हूँ। शायद मैं नहीं बना सकता या बाकी बना लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं आता पिक्स आर्ट डायरेक्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। और जो भी आर्ट होगा यहाँ फोटोशॉप में क्रिएट होगा, कोई पिक्स आर्ट का नहीं होगा। बस मैं पीएनजीज दे सकता हूँ जो आप पिक्स आर्ट में यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, और जस्ट उसी बेसिस पे मैं सोचता हूँ कि आप भी क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप में इजी रहता है, लेकिन पिक्स आर्ट में थोड़े ब्लेंडिंग मोड्स कम है, तो इसलिए मैं उसे यूज नहीं करता हूँ। और जो मेरा वर्जन है वो है ये फोटोशॉप 2020 है। और जस्ट स्टार्ट करते हैं अब ट्यूटोरियल के साथ, ज्यादा बातें नहीं करके। तो यहाँ सबसे पहले जो आपको ये मिलेगी, ये होगी बीजी, ये फोल्डर में इंक्लूडेड है पहले से। और मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करता ज्यादातर फोल्डर के अंदर, क्योंकि कोई भी आता है आर्ट को उठाता है, अपना नाम देता है और फिर उसे जस्ट पोस्ट कर देता है, रिपोस्ट इंस्टाग्राम पे, और बिना क्रेडिट्स या किस कुछ दिए हुए। तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैंने अपनी फोटो हटा रखी है। और मैं पहले से ही नहीं डालता क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही फेस करी थी प्रॉब्लम, तो अब कोई वो नहीं है। तो ये आपको एक वेनम का फेस मास्क मिलेगा अलग से, ठीक है, उसी के अंदर। ये आपको कटआउट करना पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे कटआउट कर सकते हैं। मैंने इसे अपने फेस के अकॉर्डिंग मॉड कर रखा है। तो मॉड कैसे कर रखा है मैंने, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर जैसे आप ये एजेस पे आएंगे, जैसे आपको ये एजेस सही करनी है, यहाँ पे सही करनी है, या यहाँ पे जैसे ये थोड़ी मिस्टेक दिख रही है, तो आपने ब्रश लेना है, इरेजर, ठीक है, इरेजर चलती है, ठीक है। और हार्डनेस आपको 60 to 70 में रखनी है, ठीक है, और फिर आराम से वहां से वो इरेज आउट करनी है चीज। तो उससे क्या होगा, जो आपका ये मास्क है वो खराब भी नहीं होगा और जस्ट एक स्मूथनेस के साथ वो कटेगा भी। तो आपको इरेजर यहाँ पे डिटेल्ड में ऐसे यूज होती है, आप कहीं डायरेक्ट पूरी इरेजर लेते हो यहाँ से और फिर फुल करके हार्डनेस पूरी, तो वो एक अलग ही रबिंग आती है उसमें। हालांकि ये तो अभी ब्रश दूसरा है, इसमें फ्लो 6% का है, नहीं तो फिर ऐसी आएगी रबिंग, तो ये बहुत ही गंदी लगती है। और ऐसे मैंने बहुत के देखे हैं फोटोज इंस्टाग्राम पे, तो वो ऐसी ही रबिंग और वो इरेजिंग करते हैं। तो यार ऐसी ना करें आप, ये तो बहुत ही बंडल वाली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और हमेशा फ्लो को अराउंड 6 पे छोड़ दें। इसलिए लाइक मेरे हिसाब से जो होना चाहिए मैंने आपको वो बताया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पे जो डिपेंड करता है, क्योंकि इरेजिंग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप धीरे धीरे होगी। तो ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है बजाय आर्ट क्रिएट करने से। तो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है आपके फोटोशॉप में, कि एक एक चीज आप कैसे अच्छे से क्रिएट करें, और बजाय कि एकदम से पूरी आर्ट में आपको बताते जाऊं ऐसे ऐसे करा मैंने ऐसे ऐसे। तो वैसे तो आपसे कुछ बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेरी ही आर्ट क्रिएट कर दोगे। और अगर आप कुछ नॉलेज लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो दैट्स ओके, आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। जो मेरे को सही लगता है कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अब जो आपको एक अगली जो मास्क में प्रॉब्लम आएगी, जब आप कटआउट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज खुद कटआउट करें। अगर आपको कटआउट नहीं सीखना आता तो आप फोटोशॉप को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने कटआउट ही नहीं करी चीजें, तो यार आगे आर्ट बनाने बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अगर आपको ऐसे एजिस चाहिए, रॉडेड एजिस, मतलब मैं तो इन्हें ऐसी बोलता हूँ, या तो आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं या तो इरेजर की हेल्प,
इरेजर बहुत ही छोटी कर दीजिए अपनी, ठीक है, और फिर जूम करिए, और फिर यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो सिंपल ऐसे धीरे 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 तो आपको एजेस क्रिएट करनी है वहां पे कि वो ब्लेंड इन हो जाए अच्छे से, ठीक है। या तो आप मास्क से भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मास्क चला सकते हैं तो मास्क भी वेल एंड गुड है, ठीक है। इससे बहुत धीरे धीरे आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं और ये स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मास्क, और आपको मास्क आता है तो आप देख सकते हैं वहां पे वो अच्छी ब्लेंडिंग आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये था कि फेस के अंदर कैसे ब्लेंड हो ये मास्क, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा था। मास्क कटिंग कोई इतना वो नहीं है टफ टास्क जो मैं आपको करके दिखाऊं पूरा ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी लाइक जितना भी आपको करना हो उससे थोड़ा 10 to 20% कम ही करें, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मास्क में कितनी अच्छी ब्लेंडिंग आ गई है थोड़े से ही टाइम में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ एक चीज को हमें नोटिस करना है, वो है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ क्यों नोटिस करवा रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो फेस है वेनम टाइप वाला तो वो है थोड़ा ब्लैकी और कॉन्ट्रास्ट में। अगर मैं यहाँ अपने हेड का कलर देखूँ वो प्योर ब्लैक हेड है, और यहाँ फेस में ब्लैक ढूंढूँ तो ये रहा, और ये पार्ट तो वो प्योर ब्लैक है, तो ये दोनों ब्लैक मैच नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ी फोटो ऑड लगेगी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपने यहाँ पॉइंट पकड़ लिया होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्लैक को कैसे अचीव करते हैं, वो होता है एक्सपोजर से। एक्सपोजर बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपको नहीं आती है चलानी तो स्टार्ट करें, और यहाँ से ब्लैक प्रेस करके आप देख सकते हैं कि ये अगर ऑटो भी मैच करेगा तो कितना मैच करेगा, तो ऑटो में इतना मैच करा इसने, रफली ऑफसेट इधर गया है बस, तो मुझे आइडिया मिल गया कि ऑफसेट इधर गया है, और फिर फोटो करेक्शन आराम से इतना, ठीक है। फिर उसके बाद इसे इन्वर्ट कर दें इसके मास्क को कंट्रोल आई दबा के, ठीक है। अब एक ब्रश लें और यहाँ से मास्क सेलेक्ट करें वाइट, ठीक है, और फिर यहाँ से फेदर्ड ब्रश लें, ठीक है। अब जब आप यहाँ पेंट करोगे तो यहाँ एक कॉन्ट्रास्टी लुक क्रिएट होगा, और वो उस ब्लैक के साथ मैच होगा, या आप ये देख सकते हैं आप यहाँ। तो यहाँ पे अब डैम्प और कॉन्ट्रास्टी कलर क्रिएट होने लग गया है। अब अगर मैं दूर से देखूँ इसे तो ये परफेक्टली ब्लेंडिंग हो रही है। अब वो मास्क मेरे चेहरे पे फिट आ रहा है, तो एक्सपोजर का यहाँ पे ये फंडा है, ठीक है। और अब एक्सपोजर जब हो जाएगा तो एक और चीज़ है, वो है यहाँ पे नेक के नीचे। तो यहाँ तक तो लोग पहुँच जाते हैं, एक्सपोजर भी ब्लेंड कर दिया, लेकिन अब फोटो के साथ भी ब्लेंड करना होता है, तो मैंने यहाँ शेडो डाल रखी है, ये डिटेल्ड में है, और आपको इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा ये थोड़ा सा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ओपेसिटी तो फुली रखें, और फ्लो भी अगर कम रखें ज्यादा रखें कोई फर्क नहीं होता, तो इस ब्रश को आप छोटा करें या बड़ा करें थोड़ा सा, और फिर यहाँ से धीरे धीरे ब्लैक पेंट करना चालू करें, लाइक शेडो क्रिएट। तो आप देख सकते हैं आप शेडो कितना ज्यादा एक इम्पैक्ट डाल रही है, और अगर आप शेडो अभी तक इग्नोर करते हुए आए हैं तो यार आप उसे जरूर क्रिएट करना सीखें, बहुत ही अच्छी चीज है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा लिफ्टअप लग रहा है, तो इस लिफ्टअप को हटाने के लिए आप अंडरलाइन लेयर पे क्लिक करके और उसे वो थोड़ा सा हटा सकते हैं, ठीक है। अब वो परफेक्ट ब्लेंडेड लग रहा है, ठीक है। अगर मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं इतना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ गया है एक ब्लेंडिंग से मेरे को। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं अगर मैं ट्यूटोरियल बनाता जाऊंगा तो मैं बनाता ही जाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा वॉइस ओवर होगा, यहाँ मैंने ऐसे रखा वैसे रखा,
तो जस्ट मैंने सोचा अब मैं ट्यूटोरियल टीच का थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक अपनाऊंगा, जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। अगर आपको सारे बेसिक्स और ये सब पता रहेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है, आपको और आर्ट क्रिएट करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप बस देखते रहें ट्यूटोरियल और मेरी जैसी इमेज बनाएं। ठीक है, अब उसके बाद मैं अपनी फोटो में आता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं इसके अंदर, तो शेडो फेस भी समझा दिया, कॉन्ट्रास्टी भी, डार्कनेस भी आपको समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये ग्रुप वन फोल्डर हटा दिया है। अब मैं बॉडी सेचुरेशन के ऊपर बताऊंगा आपको। तो अब यहाँ अगर आप बॉडी सेचुरेशन देखें तो यहाँ आपको एक चीज लगेगी कि जो मेरा मास्क है वो थोड़ा ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या, मतलब कि इसका सेचुरेशन ज्यादा है मेरे हैंड के सेचुरेशन से। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इस चीज को हटाने के लिए यहाँ से आप ह्यू सेचुरेशन की लेयर ले सकते हैं और ऑल्ट दबा के क्लिप करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ सेचुरेशन घटाने का एक ऑप्शन आ जाएगा HSL से। तो आप जब तक सेचुरेशन को घटाएं, जब तक आपकी स्किन के साथ वो अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए और बैकग्राउंड के साथ, तो इस पॉइंट पे मेरे को लगा था कि हाँ परफेक्ट ब्लेंडिंग आ गई है। फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज जो पॉप पॉप चीज होती है वो करनी है मुझे, वो है कि यहाँ फेस फेस में नहीं, मतलब ये जो इसके मसूड़े बोलते हैं इन्हें, तो ये चीज को करने के लिए तो यहाँ मैंने थोड़ा इसे पेंट करा था। और टंग को, क्योंकि ये रेड दिखती है, जो भी वैनम की भी शायद फोटो में भी ऐसे ही है, अगर नहीं है तो मैंने इतना देखा नहीं है डीपली, लेकिन तब भी आइडिया था मुझे। तो अगर मैं इतना सा इम्पैक्ट देखूँ तो ये बहुत ज्यादा पड़ रहा है, वो फोटो पॉप होके आ रही है। ठीक है, और फिर यहाँ अगर इसे बंद करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया एक ही बार में। तो यही होता है ह्यू सैचुरेशन का, और इसे हम बॉडी होल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आती है टैटू की बारी। तो टैटू तो यार सिंपल है, आप ब्रश लें, और टैटू पे ट्यूटोरियल जल्दी आने वाला है चैनल पे, तो आप स्टे ट्यून रहें और सब्सक्राइब रहें, जल्दी ही डालूंगा मैं अभी थोड़े दिन में। फोटो रेडी हो चुकी है जस्ट, और जस्ट आएगी, तो यहाँ ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपको मन करे। ठीक है, तो वो टैटू अपने पे डिपेंड करता है यार, उस टाइम बन गया बन गया, अभी नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आप ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं, साइन, इनिशियल्स, कोई पार्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो अपने आप ही ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, तो टैटूज का भी यही छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद जब टैटूज हो गए तो फिर आता है आई लेंस ग्रीन। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज है जो मैं थ्रू आउट बहुत सारे ट्यूटोरियल में समझाते हुए आ रहा हूँ, जस्ट एक आई में यहाँ बना के दिखाऊंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सेम है। तो यहाँ शिफ्ट प्रेस करेंगे आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से स्ट्रोक पे आना है और 5 रखना है, और फिर यहाँ से आपको कोई भी ग्रीन कलर चाहे कैसा भी कलर, और रेड ले लेते हैं। ठीक है, इस बारी, और फिर यहाँ से डीसेलेक्ट कर देना है इसको, फिर उससे वो हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अच्छे से इसे ट्रांसफॉर्म कर देना, और एक स्वीट स्पॉट ढूंढना जहाँ आपको लगे कि हाँ परफेक्ट है। ठीक है, फिर ब्रश प्रेस करना, और फिर इरेजर जो भी है इरेजर आपको लानी है, तो इरेजर से यहाँ थोड़ा हाइड करना है इसे, और फिर यहाँ नीचे से भी थोड़ा बहुत साइड से। ठीक है, जिससे वो आई में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अगर मैं इतनी दूर से देखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती मुझे उस आई में। ठीक है, थोड़ा सा से शिफ्ट कर देते हैं इधर, और फिर एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर इसी को आई लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में, और फिर कमांड जी, जिससे डुप्लीकेट आ जाए। अब डुप्लीकेट के बाद आपको आना है ब्लर और गॉजियन ब्लर। ठीक है, गॉजियन ब्लर आपने 5 तक का रखना है, क्योंकि बस वो चीज इतना रखें कि आपको ब्लर इतना बढ़ाना होता है कि बस वो आपके ब्लैक पार्ट को कवर कर ले। अगर आपका ब्लैक पार्ट से इधर जाता है ना, तो वो
रेडिएट हो जाती है इमेज, और जब आप कलर ग्रेडिंग करेंगे ना तो परफेक्ट नहीं आएगी यहाँ पे कभी भी, तो आई आपकी अजीब सी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी वो रेडिएट हो गया, थोड़ी सी बाहर आ गई है यहाँ एजेस तक, तो इसको हम कम कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए वो कितनी परफेक्ट लग रही है आई। ठीक है, तो यही रेस्ट ऑफ दी सेम है, आप इसे कॉपी करके इधर आई पे लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको थ्रू आउट आई का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप ह्यू सैचुरेशन क्लिप कर दीजिए एक इसी के ऊपर, और अब आप आई का कलर जो चाहेंगे वो होता जाएगा, तो उससे आना अच्छी लगेगी। अब उसके बाद आई ग्लो हो गया, और आपने अगर नोटिस ना करा हो तो ये टैटू था। फिर आता है रेम लाइट, और फिर ये ग्लोइंग इंस्टाग्राम, तो ग्लोइंग इंस्टाग्राम भी ले ही जाता हूँ मैं। ठीक है, ये कलर है, इस बार ग्रीन नहीं कर रहा मैं यूज। रिम पे न्यूमरस ट्यूटोरियल है हर चैनल के ऊपर। ठीक है, एक सैंपल करना है यहाँ से कलर, और चेक कर लीजिए वो पूरा टॉप अप का होना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपको रिम चाहिए, जैसे मैं थोड़े यहीं टीप्स पे बना के दिखाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा, तो टीप्स पे आप देख सकते हैं कैसे रिम क्रिएट होती है आराम से। तो रिम क्रिएटिंग के लिए भाई आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा इमेज को कि लाइट कहाँ से फॉल ऑफ हो रही है और कहाँ मुझे ड्रॉ करना चाहिए, थोड़े से मतलब आपको आइडिया लेने पड़ेंगे। ठीक है, कि हाँ ऐसे रिम लाइट बनती है, ऐसे यहाँ आएगी। तो ये अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो कितना मेजर डिफरेंस आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ शॉर्ट पे भी क्रिएट कर रखी है ये चीजें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ब्रश साइज को भी आप वेरी करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और फिर एक मेन लाइट, क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी तो इसे भी हिट करेगी वो, तो यहाँ पे भी आपको एक रिम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही था अच्छा खासा, बस इतना ही रिम था, और बाकी थोड़ा डिटेल्ड है वहाँ पे, लगे रहो आप स्पेंड करोगे अराउंड 3 to 4 hours, तो यार आपकी रिम बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ट्यूटोरियल है चैनल पे, 21 मिनट के भी हैं और 30 मिनट के भी हैं शायद, तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और आप उनसे बहुत चीज़ें समझ भी सकते हैं। उसके बाद जो आती है यहाँ पे है ग्लोइंग, ये वाला, ये चीज़ को ग्लो आउट कैसे करना। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने रिम तो ड्रॉ कर दी, लेकिन ये चीज यहाँ फॉल ऑफ नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसे आपको एक लाइन में समझाऊं, अगर मैं ये यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो इसकी भी लाइट मेरे चेहरे तक आनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे एक वो बनानी पड़ती है लेयर, और इसे बिग नाम दे देता हूँ मैं कभी कभी, और फिर ब्रश लेता हूँ बहुत ही बड़ा। ठीक है, और एक क्लिक दो क्लिक, तो आप देख सकते हैं आप वो ग्लो कैसा फेदर्ड सा क्रिएट हो गया है। ब्रश छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा एक बिग ग्लो का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे थी, और फिर हेज ऐड कर रखी है, हेज की पीएनजी है, कोई वो नहीं है पंगा।
ऐसे ऐड करके दिखाऊं सीधी, तो आप देख सकते हैं पीएनजी, और ऐसे ड्रैग करके डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कलर ग्रेडिंग है, एडजस्ट कर लोगे। तो कलर ग्रेडिंग के लिए तो जो मेरे पहले लट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं आती है तो आप जंप करें डायरेक्ट, और फिर सबसे पहले आप कंट्रास्ट सही करें हमेशा इमेज की, जो परफेक्ट ब्लेंड के साथ रहे। अब क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करें, और फिर जो आपको कलर यहाँ से चाहिए हो सबसे पहले यहाँ से अचीव करें, फिर बाकी किसी भी उसमें जाए आप। ये मेरी फिलॉसफी है, आपकी अपनी हो सकती है खुद की। ठीक है, तो इतना गेन मुझे आराम से मिल गया, और फिर ब्लू कलर अचीव करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होता है जस्ट। तो ये था बहुत सिंपल सा ट्यूटोरियल, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन तब भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव दिया था मैंने इसमें। लाइक आपको समझाया बहुत है, ये नहीं कि दूसरे यूट्यूबर की तरह है कि हाँ ये ऐसे होता है, फिर ये यहाँ रखना है, फिर इसे आप ऐसे ब्लेंड कर देंगे, और फिर ये, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका, और आप उनसे सीखना ज़ीरो है वहाँ पे आपके लिए, क्योंकि आप उनकी फ़ोटो को बस रिक्रिएट करना सीखेंगे, आप अपने लिए कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, और चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पता नहीं कब जाके होंगे, 4-5 वीडियो में तो बोल ही गया। चलो ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।